हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी, मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। साथ ही आप मुझे बता सकते हैं कि आप मेरी वीडियोस कहां से देख रहे हैं, ताकि मैं भी आप लोगों से थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पाऊं। आज मैं आपके साथ अपना ट्यूसडे डिनर शेयर कर रही हूं। उस दिन मैंने डिनर में सांभर वड़ा बनाया था, तो वड़े के लिए मैंने यहाँ पर उड़द दाल ली है, धुली उड़द की दाल एक कटोरी ली है मैंने, उसको मैं सोक कर रही हूँ, ये मॉर्निंग का टाइम है। अब यहाँ पर मैंने सांभर के लिए भी अरहर तूर दाल और इमली सोक करके रख दी है। तो सांभर की प्रॉपर रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आज की वीडियो में मैं वड़ा कैसे बनाती हूँ ना, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब शाम का टाइम हो चुका है, साथ में मैंने चाय भी रख दी है, तो साइड बाय साइड ना मैं सांभर की भी तैयारी कर रही हूँ। यूजुअली आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो मैं सिर्फ कुकिंग रेसिपीज़ ही दिखाती हूँ, क्योंकि मेरा चैनल सिर्फ कुकिंग का ही है। बट आज मैंने खुद को भी थोड़ा बहुत इंक्लूड किया वीडियो में, आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो मैं यहाँ पर दाल और सब्जियाँ जो मैं सांभर में डालती हूँ मैं इकट्ठे ही बॉईल कर लेती हूँ, तो मैं वो यहीं पे वही काम कर रही हूँ। इतना में हम चाय पियेंगे तो हमारी जो दाल है वो भी रेडी हो जाएगी, फिर हम सांभर की तैयारी करेंगे। तो वड़ा कैसे मैं बनाती हूँ ना, वो आगे मैं वीडियो में शेयर करूँगी, तो आप वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और मुझे नहीं जानते, तो मेरा नाम करिश्मा है और ये मेरा चैनल है फूडी करिश्मा। यहाँ पर मैं कुकिंग एक्सपीरियंस रेसिपीज़ शेयर करती हूँ। अगर आपको पसंद आता है ये कंटेंट तो आप ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस टाइम मैं चाय वगैरह पी के आ चुकी हूँ किचन में। अब मैं यहाँ पर सांभर की तैयारी कर रही हूँ, उसको तड़का लगाएंगे। दाल और सब्जियाँ तो मैंने इकट्ठे बॉईल कर ली थी, तो कुछ प्याज और टमाटर मैंने यहाँ पर चॉप कर लिए। तो प्रॉपर रेसिपी तो मैं इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, बिकॉज़ मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर कुछ ग्लिम्प्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आई होप कि आप उसे अच्छे से इंजॉय करेंगे। अब मैं आपके साथ यहाँ पर एक बात शेयर करती हूँ, आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। हम किचन में छोटा मोटा कुछ भी खाना बनाते हैं, इवन चाय भी बनाते हैं ना, तो बर्तन कितने फैल जाते हैं, सिंक हमारा भर जाता है। तो मेरे साथ तो यूजुअली ऐसा होता ही रहता है, मैं किचन में कुछ भी थोड़ा मोटा काम करती हूँ ना, मेरी तो किचन यूँ ही एक मिनट में फैल जाती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, अब जैसे मेरे पास टाइम है, जैसे मैं सांभर बना रही हूँ तो ये सिम पे अभी इसमें बॉयल आएंगे, तो मैं जाकर बैठूँगी नहीं, रेस्ट नहीं करूँगी, इवन किचन समेट लूँगी। ये मेरी यूजुअली हैबिट ही रही है, जब से मैं कुकिंग करती हूँ तो मैं ऐसा कुछ कर ही लेती हूँ कि किचन मेरी मैसी ना लगे। और अब मैं साथ के साथ यहाँ पर सांभर में मेरा बॉयल आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पर अपनी किचन को समेट लूँगी, जितने भी बर्तन इकट्ठे होते हैं ना चॉपिंग कटिंग के, वो सब मैं साथ के साथ कर लेती हूँ। आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब मैंने यहाँ पर किचन क्लीन कर ली है और सांभर भी मेरा ऑलमोस्ट डन होने वाला है, तो मैं सांभर को बंद करूँगी और वड़ा कैसे मैं बनाती हूँ ना, वो मैं आपके साथ अब शेयर करूँगी। कुछ ग्लिम्प्स मैंने आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किए हैं, आपको कैसा लगा आप मुझे बताना। आप मुझे बता सकते हो कि मैं सिर्फ रेसिपीज़ ही इंक्लूड करूं या फिर कुछ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करूं। आप मेरे साथ अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में डेफ़िनेटली शेयर कर सकते हैं। तो चलिए सांभर तो बन गया, वड़ा बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मॉर्निंग में आपको बताया था कि मैंने उड़द दाल, धुली उड़द की दाल जो होती है वो सोख करके रख दी थी। आपको 6 से 7 घंटे के लिए इसको सोख करना है, 4 से 5 घंटे भी आप इसे सोक कर सकते हो। अब मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ, तो आपको यहाँ पर कोर्सली इसको ग्राइंड करना है, हल्का सा दाना इसमें रहना चाहिए। अगर पानी की नीड आपको है तो आप ऐड कर सकते हो, ज़्यादा पानी आपको ऐड नहीं करना है। तो मैंने यहाँ पर कोर्सली दाल को यहाँ पर ग्राइंड कर लिया। अब किसी बड़े बर्तन में आपको इसको ऐड करना है, क्योंकि हमें इसको आगे फेंटना है। किसी भी वाइड माउथ के बर्तन में आप इसको ले सकते हो। अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ, एक कटोरी में पानी लेके मैंने दाल ऐड करी है, वो नीचे बैठ रही है, फ्लोट नहीं कर रही है। तो अभी हमें इसको फेंटना है अच्छे से, इससे ही हमारे जो वड़ा है वो काफ़ी सॉफ्ट और स्पंजी बनेंगे, मतलब जैसे डेंस नहीं होंगे। तो इसलिए आपको फेंटना ज़रूर है दाल को। अगर आप अपने हाथों से फेंटोगे ना दाल को तो बहुत अच्छी फिटती है। अपने हाथों की हेल्प से आप इसे ज़रूर फेंटना, 7-8 मिनट तक आप इसको फेंटोगे ना। तो अब मैंने पानी में डाल के आपको दिखाया, दाल अच्छे से फ्लोट कर रही थी। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, जो दाल है ना इसमें काफ़ी ज़्यादा एयर इनकॉर्पोरेट हो गया।
अब इसमें हम नमक ऐड कर रहे हैं, मैं यहाँ पर अदरक ग्रेट करके ऐड कर रही हूँ, आप चाहो तो चॉप करके भी ऐड कर सकते हो, बट हमारे फैमिली में किसी को चंक्स आते हैं ना मुँह में तो उतना पसंद नहीं आता, इसीलिए हम ग्रेट करके ऐड करते हैं। अब मैंने यहाँ पर थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्ची ऐड करी है और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। साइड में देखा आपने गैस पे मैंने ऑयल भी रख दिया गरम होने के लिए, ऑयल का जो टेम्परेचर है वो मीडियम होना चाहिए, ज़्यादा हॉट ऑयल नहीं होना चाहिए आपका, गरम तेल में आप डालोगे तो ऊपर से तो पक जाएंगे बट अंदर से कच्चे रहेंगे। तो अब यहाँ पर आपको एक कटोरी रख लेनी है साइड में पानी के लिए, आपको पानी का हाथ गीला करते जाना है और एक कटोरी की बैक साइड पे भी पानी लगाना है, तो ऐसे जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो ना सेम इसी तरीके से आपको बनाने हैं। मैं थोड़ा एक्सप्लेन अच्छे से ना कर पाऊँ बट आप स्क्रीन पे देखकर समझ सकते हैं। एक आपको पानी का हाथ ज़रूर गीला करते रहना है और कटोरी को भी आपको बार बार गीला करते रहना है, आप चाहो तो लेडल होती है ना उस पे भी बना सकते हो बट कटोरी से थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है और शेप भी अच्छी आती है। अब जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो सेम इसी तरीके से आपको सारे वड़ा बना लेने हैं और आपको ऑयल में छोड़ते जाना है। मैं अगेन दोबारा से दिखा दूंगी, इनको आपको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल कलर इनका आया ना और कितने क्यूट लग रहे हैं छोटे छोटे, तो मैं साइज़ इनका छोटा रख रही हूँ, आप थोड़ा बड़ा चाहो तो बड़े भी बना सकते हो इनको, मैंने थोड़े से छोटे मीडियम साइज़ के ही बनाए हैं। बार बार आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हो मैं पानी जो कटोरी है ना उस पर पानी लगा रही हूँ और अपने हाथ पर भी पानी लगा रही हूँ, तो हाथों को आप गीला रखना और कटोरी को भी गीला रखना, उससे ये आसानी से छूट जाते हैं, बिल्कुल भी चिपकते नहीं है। ये उड़द दाल थोड़ी सी हाथों पे चिपकती है ना इसलिए आपको पानी का ही यूज़ करना है। अब देख सकते हो आप कितने क्यूट लग रहे हैं और खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बने थे, तो सेम इसी तरीके से आपको सारे फ्राई कर लेने हैं और बहुत ही आसानी से ये छूट जाते हैं ऑयल में, बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं। अगर आप पहली बार बना रहे हो ना तो आप कटोरी की बैक साइड से कब बनाना, ये हमेशा फुल प्रूफ रेसिपी है, कभी भी आपके वड़ा जो है वो फेल नहीं होंगे और बहुत ही ईजिली बन जाते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक तोड़ के दिखा रही हूँ, अंदर से देख सकते हो आप कितने सॉफ्ट है और ऊपर से कितने क्रिस्पी है ना, तो बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं। ऐसे भी चटनी के साथ भी आप इनको एंजॉय कर सकते हो, तो ऐसे भी अच्छे लगते हैं बट सांभर के साथ तो टू गुड, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब मैं इनको प्लेट करके भी आपको दिखा देती हूँ, तो मैंने कटोरी में वड़ा ऐड किया फिर ऊपर से सांभर ऐड करा है और ये देखना आप कितनी जल्दी ये सांभर को सोक कर लेते हैं, तो आप ज़रूर से ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको कैसी लगी। और आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट थी यूजुअली वीडियो से, तो बताना आप मेरे साथ कॉमेंट बॉक्स में शेयर करना। वीडियो पसंद आई है तो आप एक लाइक ज़रूर देना और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ आप ज़रूर से शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।